सुल्तानपुर में हुआ भयंकर हादसा। हादसे में हुई कांग्रेस नगर अध्यक्ष की मौत। अध्यक्ष की गाड़ी में डंपर ने मारी टक्कर। डंपर चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार। सुल्तानपुर में बीती रात एक हादसा हो गया और इस हादसे में कांग्रेस नगर अध्यक्ष की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के टाटिया नगर बाईपास का है। यहां पल्टन बाजार के रहने वाले नौशाद खान उर्फ खान बाबा सोमवार देर शाम घर वापस लौट रहे थे। अभी नौशाद टाटिया नगर पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में कांग्रेस नेता के सिर और चेहरे पर काफी ज्यादा चोटें आ गईं। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भागते हुए मौके पर पहुंचे और गेट तोड़कर किसी तरह कांग्रेस नेता को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और कांग्रेस नेता नौशाद को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद नौशाद के परिवार को सूचना दी गई और शव को उनके घर पहुंचाया गया। ये खबर जैसे ही शहर में फैली तो मानो हाहाकार मच गया। नौशाद के परिवार का जहां रो रो कर बुरा हाल हुआ, वहीं उनके घर पर समर्थकों का तांता लगा हुआ नजर आया। पुलिस की माने तो अभी तक नौशाद के परिवार ने कोई तहरीर नहीं दी है। वहीं पुलिस लगातार रास्ते के लगे हुए सीसीटीवी को चेक करते हुए आरोपी और उसके डंपर को खोज रही है। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अजहर अब्बास की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।